तो अयोध्या पर फैसले को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, यह फैसला न्यायिक प्रक्रियाओं में जन सामान्य के विश्वास को और मजबूत करेगा। हमारे देश की हजारों साल पुरानी भाईचारे की भावना के अनुरूप हम 130 करोड़ भारतीयों को शांति और संयम का परिचय देना चाहते हैं। भारत के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अंतर्निहित भावना का परिचय देना है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई वजहों से महत्वपूर्ण है। ये बताता है कि किसी विवाद को सुलझाने में कानूनी प्रक्रिया का पालन कितना अहम है। हर पक्ष को अपनी अपनी दलील रखने के लिए पर्याप्त वक्त दिया गया, पर्याप्त मौके दिए गए। न्याय के मंदिर ने दशकों पुराने मामले का सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान कर दिया। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या पर अपना फैसला सुना दिया। इस फैसले को किसी की हार या जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। राम जन्मभूमि हो या रहीम भक्ति, ये समय जो है हम सभी के लिए भारत भक्ति की भावना का यह समय, भारत भक्ति की भावना को सशक्त करने का यह समय। देशवासियों से मेरी अपील है कि शांति, सद्भाव और एकता बनाए रखें। इसके अलावा आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया। अमित शाह ने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। फैसले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह निर्णय भारत की एकता, अखंडता और महान संस्कृति को और ज्यादा बल प्रदान करेगा। श्री राम जन्मभूमि कानून विवाद के प्रयासरत सभी संस्थाएं, पूरे देश का संत समाज और अनगिनत अज्ञात लोग जिन्होंने इतने वर्षों तक इसके प्रयास किए, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। दशकों से चले आ रहे श्री राम जन्मभूमि के इस कानूनी विवाद को आज इस निर्णय से अंतिम रूप मिला है। मैं भारत की न्याय प्रणाली और सभी न्यायमूर्तियों का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय समाज में सद्भावना की अपील करता है। योगी का क्या ट्वीट आया वो भी आपको सुनाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत। देश की एकता और सद्भाव बनाए रखने में सभी सहयोग करें। उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और सद्भाव का वातावरण बनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध भी है। बहुत पहले से सुरक्षा इंतजामों को लेकर यूपी सरकार ने कोशिशें करनी शुरू कर दी थी। खासतौर पर अयोध्या, उसके आसपास सटे जिलों में अभूतपूर्व इंतजाम किए गए थे। इस बीच कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया। प्रियंका गांधी ने लिखा, अयोध्या मुद्दे पर भारत की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है। सभी पक्षों, समुदायों और नागरिकों को इस फैसले का सम्मान करते हुए हमारी सदियों से चली आ रही मेलजोल की संस्कृति को बनाए रखना चाहिए। हम सबको एक होकर अपने आपसी सौहार्द और भाईचारे को मजबूत करना चाहिए। संजय राउत जो इन दिनों सुर्खियों में लगातार बने हुए, महाराष्ट्र की सरकार के फॉर्मेशन को लेकर उनका भी इस मसले पर ट्वीट आया। संजय राउत ने लिखा है कि पहले मंदिर फिर सरकार, अयोध्या में मंदिर, महाराष्ट्र में सरकार, जय श्री राम। तो आपको बता दें कि आज फैसला आ चुका है और फैसला अब सबके सामने है। राम मंदिर बनेगा अगले 3 महीनों में। बोर्ड का जो गठन किया जाएगा, सरकार से मिलकर उसकी तैयारी की जाएगी, क्या रूपरेखा होगी मंदिर के बनने की, इन सभी के बारे में जिक्र करेंगे। इस वक्त हमारे साथ दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल अजीज खान जी इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर हैं और इसके अलावा हमारे साथ आदेश भारद्वाज हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आदेश जी आपसे ही सवाल कर लेता हूं, वक्त आपसे सवाल करने का है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जो सवाल दागे हैं उसमें कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरा है। उन्होंने यह माना है कि पिछले 5 सालों से जो मसला चला आ रहा था, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया हो, लेकिन वो अपनी आने वाली नस्लों को यह बताते रहेंगे कि वहां मस्जिद शहीद हुई थी। और यह कहा कि 1985 में जो ताले खोले गए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर मस्जिद शहीद नहीं होती, ये उनका कहना था। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं। ओबीसी जी का अपना व्यक्तिगत विचार कोई हो सकता है, वो कुछ भी रखें और कुछ भी अपनी नस्लों को बताएं, लेकिन हम इस मौके पे जो है, हम सभी संबंधित जो है पक्षों को और सभी समुदायों से निवेदन करते हैं कि भारत के संविधान में स्थापित सर्वधर्म स्वभाव तथा भाईचारे को, उच्च मूल्यों को निभाते हुए अमन चैन का वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता और बनाए रखें जो है।
हर भारतीय की जिम्मेवारी है कि हम सब देश की सदियों पुरानी परंपरा और एकता संस्कृति परंपरा को जीवित रखें, अपने गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखें। और पांचों जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, आप मानते हैं कि भूतकाल में आपसे अच्छी खासी गलतियां हुई, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और फिर बहुत कुछ देखना पड़ा देश को, लेकिन आखिरकार आज उसका समाधान हो गया है, लेकिन अपनी भूमिका के बारे में आप कुछ कहना चाहें? नहीं, देखिए 1992 में जो हुआ उसका भी वो पैरेलल कोर्ट में चल रहा है, जो ये इन पांच पक्ष जो थे इसमें उसका निर्णय आया है और उसके निर्णय पे जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा कहीं भी ये सिद्ध नहीं कर पाया कि पूरी तरह से वो कोई इसका टाइटल के मालिक हैं। जो साइंटिफिक आधार पे पांचों जजों ने आर्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को मानते हुए और उस पर उस निर्णय दिया, उसका निर्णय का सब स्वागत करते हैं। ठीक है, सबकी भावनाओं का सम्मान रखा गया, हिंदुओं का भी सम्मान है, मुस्लिमों का भी सम्मान है, सभी समुदाय का सम्मान है जी। फेथ के ऊपर फैक्ट को तरजीह दी, देखिए नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का तो उल्टा कहना है, उनका कहना है कि फैक्ट के ऊपर फेथ को तरजीह दी। जी देखिए, वो एक पॉलिटिकल एक नेता है, समझे नहीं, वो उनके अपने विचार हैं, लेकिन हाँ आज हमारे देश के विचार अच्छे हैं जो भी हैं। आज जो हमारे देश में हुआ है, शायद लोक जनक कब कब से कई नस्लें खत्म हो गई और शायद उम्मीद भी नहीं थी ऐसा हो जाएगा, आज बहुत बड़ा खुशी का दिन है, एक भाईचारे का एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, एक दीवार, हम बार बार कह रहे हैं जो कि हमारे बीच में से एक खतरनाक दीवार हट चुकी है जो हमें नुकसान पहुंचा रही थी, हमारे रास्ते रोक रखे थे सबके, आज भाईचारे का बहुत बड़ा ऐलान हुआ है और हम उसका सम्मान करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। और सभी देशवासियों से हमारी ये प्रार्थना है और अपील है, सबको ही सम्मान करना चाहिए और अपने देश में अमन अमान बना के रखना चाहिए। तो सभी की ये अपील है, लगातार ये अपीलें आ रही है, लेकिन इस बीच आपको ये बताते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, आज जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। देखिए ऐसा है ना कि हम इससे पहले भी कहते हैं कोर्ट ने जो भी कहा है वो ठीक कहा है, हम उसका सम्मान करते हैं, ये जिम्मेदारी सरकार की है, वो कहा देती है कहा नहीं देती है, क्योंकि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पहले भी करते थे आज भी करते हैं, हमें चाहते हैं ये मसला हिंदुस्तान का बहुत अहम था वो आज खत्म हो गया। ये तो कहा कि सूट नंबर 4 हम पार्टी डिक्री करते हैं, लेकिन हमारी जमीन जो सूट नंबर 4 की थी वो पूरी की पूरी उन्होंने सूट नंबर 5 के प्लेंटिफ को दे दी। ये हिस्से हम बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हैं क्योंकि आर्टिकल 142 के तहत उन्होंने ये इस्तेमाल किया है, लेकिन हम नहीं समझते कि आर्टिकल 142 का स्कोप यहाँ तक है कि किसी के वेस्टेड राइट को आप दे सकते हैं। फिर भी इस पर अभी हम मशवरा करेंगे। आज जो फैसला दिया है वो अयोध्या विवाद के एक महत्वपूर्ण पहलू पर सुप्रीम कोर्ट ने देश के सामने अपना निर्णय सुनाया है। ये निर्णय सबको सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए और इसके साथ ये प्रयत्न होना चाहिए कि इस आदेश की, इस निर्णय की दृष्टि जो जिस तरफ है उसका भी पालन ठीक से किया जाना चाहिए, समूचे देश में सौहार्द बना रहना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए और इस निर्णय का के अनुपालन की जिम्मेदारी जिस भी संस्था पर पड़ेगी उसको भी बहुत सोच विचार कर बहुत एक एकता के तरीके से इसका अनुपालन करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला लिया है वो एक ऐतिहासिक फैसला है और इस फैसले के संबंध में ये भी कह सकता हूँ कि ये इतिहास का एक लैंडमार्क जजमेंट है। सहज रूप से सभी को इसे स्वीकार करना चाहिए, पर मैं ये भी मानता हूँ कि इससे सर्वधर्म संभाव की भावना भी और अधिक मजबूत होगी और साथ ही साथ सामाजिक ताना बाना भी इसके परिणाम स्वरूप। तो अमित शाह का ये ट्वीट, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया ये ऐतिहासिक निर्णय अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा, ये निर्णय भारत की एकता अखंडता और महान संस्कृति की ओर बल प्रदान करेगा। श्री राम जन्मभूमि कानूनी विवाद के लिए प्रयासरत सभी संस्थाएं, पूरे देश का संत समाज और अनगिनत अज्ञात लोग जिन्होंने इतने वर्षों तक इनके प्रयास किए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। दशकों से चले आ रहे श्री राम जन्मभूमि के इस विवाद का आज निर्णय आ गया।
चलिए स्काइप के जरिए हमारे साथ आचार्य संजीव धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। आचार्य संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका R9 टीवी पर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, 5 जजों की संविधान पीठ का यह सर्वसम्मति से फैसला आया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए फैसले का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, और साथ में ये जो जीत है ये हिंदू और मुस्लिम दोनों की जीत है, भारतीय समाज की जीत है, भारतीय वंशियों की जीत है, क्योंकि मुसलमानों को भी बराबर का सुप्रीम कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उन्हें भी 5 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर ही उन्होंने देने का प्रस्ताव किया है, और जो रहा रामलला हुए जहाँ 1825 से पहले सीता रसोई और रामलला का चबूतरा था वहीं पर उन्होंने वो जमीन दी है, उनका स्वागत करना चाहिए हम लोगों को। लेकिन इसके अंदर ना किसी की हार हुई है ना किसी की जीत हुई है, और ये पूरे भारत वर्ष की जीत है, पूरे भारत सभ्यता की जीत है। और ये जहां तक ओवैसी जैसे लोगों ने अभी अभी फरमाया कि वो इससे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी उंगली उठा दी, और वैसे तो वो फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इसके लायक नहीं समझते, ये बातें गले से लीजिए। आचार्य संजीव जी आप बने हैं हमारे साथ, चलिए ठीक है। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख नेता बीजेपी, वो भी पैनल में शामिल हो चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवेंद्र प्रमुख जी। देवेंद्र जी आप बताइए, दरअसल कि असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र हो रहा है और कोर्ट के सवाल पर, कोर्ट के जो फैसला है उस पर सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी को, वाकई कोर्ट से कोई गिला है या फिर उनकी राजनीति का ये अहम हिस्सा है? कुलदीप जी सबसे पहले तो मैं देखिए आज बहुत अच्छा बहुत बड़ा दिन है इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र भारत का दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र है और इसको दुनिया ने माना है, आज उसी लोकतंत्र का जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो भी दुनिया में अपने आप में सबसे बड़ा कोर्ट है, और उस कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो डिसीजन वास्तव में जिसकी उम्मीद थी, जिस तरीके से दुनिया हमें मानती है, वही डिसीजन कोर्ट ने दिया। माननीय कोर्ट को मैं बार बार बधाई देता हूँ कि उन्होंने सर्व समाज का और 135 करोड़ लोगों की मनसा का ध्यान रखते हुए ये डिसीजन दिया है, और ये डिसीजन काबिले तारीफ है, इसका स्वागत योग्य है, स्वागत पूरा देश कर रहा है। मुस्लिम समाज भी बधाई का पात्र है क्योंकि मुस्लिम समाज ने दिल खोल के पहले से हमेशा ये बात कही थी कि हम कोर्ट के सम्मान को करेंगे, और इसी तरीके से दूसरा जो समाज है हिंदू समाज, एक बड़ा समाज, उसने भी कोर्ट के सम्मान की बात हमेशा कही है। रही ओवैसी की बात कि ओवैसी हर की जितनी औकात है जहाँ तक वो हैं और जितना उन्हें बोलना है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे नहीं तो वही पाकिस्तान वाली हकीकत है उनकी, क्योंकि उनके पास उसके सिवा कुछ नहीं है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी बोलना है, उन्हें देश की एकता और अखंडता के खिलाफ भी बोलना है, और उन्हें इसी तरीके के बयान दे के अपने आप को स्थापित और जिंदा रखना है, अन्यथा मुस्लिम भी समझते हैं कि वो कितने हितैषी हैं मुस्लिम समाज के। ठीक है अब्दुल अजीज जी, मैं आपसे आज जानना चाहूंगा, दरअसल इतना बड़ा ये फैसला आया, सालों से ये फैसला लटका हुआ था, और सबसे बड़ी बात यह कि ये सिर्फ कोई ऐसा मामला नहीं था जिस पर आस्था ही थी, ये आस्था के बाहर, अयोध्या के बाहर ये सियासी मसला था, सियासत इस पर सालों से खेली गई, कई पार्टियां बन गई, उभर गई, सत्ता में आ गई, फिर निकल गई। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कांटा निकाल दिया है, किसी के पास ये ऑप्शन नहीं छोड़ा है कि इस पर कोई सियासत कर ले, बिल्कुल ठीक है, तो आपको लगता है कि असदुद्दीन जैसे जो है वो सियासत करके अपनी जमीन तैयार करना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका सम्मान करना चाहिए जिस तरीके से हमारा पूरा देश सम्मान कर रहा है, और आज के दिन तो वैसे भी बहुत बड़ा खुशी का दिन है, आज के दिन तो वैसे भी गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही गलत विचार रखने चाहिए, बड़े शर्म की बात है वो नहीं कोई भी, देखो आज एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है हमारे देश के अंदर, इतने बड़ा खुशी का एक मामला है जैसे एक मिलन त्योहार होता है, पूरे देश को इकट्ठा कर दिया आज के फैसले ने, ये बहुत बड़ी बात है अपने। ठीक है, और मैंने जैसे आपसे पहले सवाल पूछा कि कोर्ट ने तो ये कहा है कि उन्होंने फेथ को नहीं फैक्ट्स को कंसिडर किया है और फैक्ट्स के आधार पर अपना फैसला दिया है, लेकिन उधर ये बात सामने आ रही है, वो कह रहे हैं कि फैक्ट्स को दरकिनार करके फेथ के आधार पर फैसला दिया, असदुद्दीन साहब का ये कहना है। देखिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अब तलक बीज बोता चला रहा था वो तो एक दिन कट नहीं था, वो कांटा जो खोल आपके जो आप कह रहे हैं कांटा निकल गया, ये बहुत अच्छी बात है, हमें कुछ पहली बातों को भुलाते हुए लोगों ने पता नहीं किसने क्या क्या कहा, समझे नहीं, तो हमें आज हमारा देश इकट्ठा हो रहा, हमें इकट्ठा होकर एक भाईचारे का ऐलान करना चाहिए और सबको गले मिलना चाहिए, आज का दिन वो है, और जो भी मंदिर का फैसला दिया, मस्जिद का फैसला दिया, सबको मिलकर इस काम को करना चाहिए। ठीक है, और जो बड़े फैसले मोदी सरकार ने लिए, धारा 370 पर लिया, ये उनके
उनके घोषणा पत्र में भी था, इसके अलावा आज ये बड़ा फैसला भी आ गया। बहुत बड़े ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर सियासत हमेशा चलती थी और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से वो सियासत जोड़ी जाती थी। अब अगर ये बातें सामने हो गई, आपको लगता है कि अब सीधी राह पर देश चलेगा? अब लोगों के पास मुद्दों पर बात करने के लिए वक्त होगा, महंगाई पर बात करने के लिए वक्त होगा, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा हो रहा है उस पर बात करने के लिए वक्त होगा। आज रास्ता मिल गया ना, आज हमारी जनता को, हमारी पब्लिक को रास्ता मिल गया। ये जो इधर उधर की बातें थी खत्म हो गई, वो फालतू के मुद्दे खत्म हो गए, आज सीधे मुद्दे होने का वक्त आया है। आज सीधे मुद्दे में जी देवेंद्र प्रमुख जी, अब सीधे मुद्दे जो होंगे ना वो प्रमुख रहेंगे, प्रमुख देखिए। और अब आपकी सियासत के कुछ जो बड़े मुद्दे थे उन पर आपको मुबारकबाद भी देनी होगी धारा 370 पर, और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये मुद्दा भी जो है अब सियासत का हिस्सा नहीं रहेगा। तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब देश के हित में राजनीति होगी, अब मुद्दों पर राजनीति होगी, अब महंगाई पर राजनीति होगी, हमारे इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन पर राजनीति होगी, बेरोजगारी पर बातचीत होगी अब कुलदीप जी, मैं या अब फिर हिंदू मुस्लिम की बातें करके पैनल की डिस्कशन को उसका हिस्सा बना के मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको, एक एक पॉइंट्स के हिसाब से बताना चाहूंगा। सिर्फ आपको सुनना है कि आप जो उतार रहे हैं कि बार बार राजनीति या हमारे जो मुद्दे थे जिस भी तरीके से, क्या हमने 2014 मुबारकबाद भी दी? देखिए मैं आपकी मुबारकबाद स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो कटाक्ष है उसका जवाब भी देना मेरी जिम्मेदारी है। आपका कटाक्ष भी हुआ इनडायरेक्ट में मुझको, जो 2014 से लेकर हमने और 19 तक अपने जो चीज हमने तय की थी, जिन मुद्दों को हमने लाया था और हमेशा उन मुद्दों पर हमने काम करने का काम किया। आप चुनाव का अगर थोड़ा सा 2014 से उठाकर 19 के बीच में जाएं, जब हमारा 18 में चुनाव शुरुआत हुआ था, समथिंग 4.5 साल हमने पूरे कर लिए थे, तो तब मुद्दों की बात आई थी, तो वहां मुद्दा सिर्फ ये था कि विपक्ष ने बनाया, हमने उसको जवाब देने का काम किया। जो भी मुद्दा विपक्ष ने बनाया उसका हमने जवाब दिया, हमारा मुद्दा कुछ नहीं था, हम सिर्फ विकास पे काम कर रहे थे, तब भी हमारा मकसद विकास था, आज भी हमारा मकसद विकास है और आगे भी हमारा मकसद विकास रहेगा। आप उठा के देख लीजिए, आप कंपेयर करिए, आप 70 साल का उठा के जितना भी टोटल है, हमने 4 से 7 साल का, 6.5 साल का जो कार्यकाल सरकार पूरा करने जा रही है, 5 साल हमने सेंटर में पूरे किए, 6वां साल हमारा अब चला हुआ है, 2.5 साल हमने यूपी में भी अपना पूरा कर लिया, 3रा साल हमको चल रहा है। आप उठा के देखिए कि हमने पिछली सरकारों की अपेक्षा विपक्ष में आकर क्या करने का काम किया, उनके एंटी जो भी आप देखना चाहोगे, हमने चाहे किसान का वो मुद्दा रहा हो, चाहे वो गरीब का कमजोर का मुद्दा रहा हो, हमने हमेशा चुनाव में उसको बनाने का काम किया, लेकिन विपक्ष ने वहां हमसे सवाल उठाया नहीं। हम तो खुद चाहते हैं, सवाल इसलिए किया था, हम खुद चाहते हैं कि विपक्ष हमसे एक क्वेश्चन करे। सवाल इसलिए किया गया था, सवाल इसलिए किया गया था कि अभी सूबों के इलेक्शन हुए, चाहे वो महाराष्ट्र का इलेक्शन हो, हरियाणा का इलेक्शन हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे जो थे वो वहां की सरजमी के नहीं थे, देश भर के मुद्दे थे और वहां लोकल सियासत से जो जुड़े हुए मुद्दे थे वो नहीं उठाए। मैं ये भी, ये उसका भी आपको शायद फायदा मिला या खामियाजा मिला इस बार चुनाव में। देखिए मैं ये भी क्लियर करता हूं कुलदीप सर, मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में हमने मुद्दा, महाराष्ट्र जो है इस देश की आर्थिक राजधानी है, आप उसे आप अलग नहीं कर सकते देश के हिस्सा से। अगर हमने उसको मुद्दा बनाया, अगर हमने उसको मुद्दा बनाने का काम किया, तो महाराष्ट्र ऐसी जगह थी जहां मुद्दा बनना बहुत जरूरी था। प्रमुख साहब आप दूसरा में जरा विश्व हिंदू परिषद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां लिए चलते हैं सीधे। इसको उद्घोषित किया है, 40 दिन 200 से ज्यादा घंटे ऐसी मैराथन सुनवाई के बाद और बाधा डालने के सब प्रयत्नों को असफल करते हुए यह निर्णय विश्व के महानतम फैसलों में से एक है। हिंदू समाज लगभग 70 वर्षों के न्यायिक संघर्ष के बाद इस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था, यह प्रतीक्षा पूर्ण हुई, सत्य की विजय हुई, हम सुप्रीम कोर्ट के कृतज्ञ हैं। स्वाभाविक ही है कि विश्व भर में हिंदू समाज में अपार प्रसन्नता है, पर स्वभाव से ही हिंदू अपनी मर्यादाओं में रहता है, इसलिए हमको विश्वास है कि कहीं पर भी यह प्रसन्नता कोई आक्रामक रूप नहीं लेगी, किसी को अपमानित करने वाली बात नहीं होगी, इसमें कोई पराजित हो गया है इस भाव से काम नहीं करेंगे, समाज का सौहार्द बना रहे
इसका सब लोग प्रयत्न करेंगे। आज कृतज्ञता का भी दिन है। सबसे पहले उन ज्ञात और अज्ञात राम भक्तों जिन्होंने इन संघर्षों में भाग लिया, कष्ट सहे, बलिदान किए, अपने प्राण भी दिए, उनके प्रति है। भारत का पुरातत्व विभाग जिनके प्रयासों से और जिनके एक्सपर्टीज से उस भूमि के नीचे मंदिर था ये साबित हुआ, वे सभी हिस्टोरियंस जिन्होंने इस बारे में एविडेंस जुटाए और वह सब वकील जिन्होंने मानो तपस्या करके तैयारी करके इसमें बहस की, उन सबके प्रति विश्व हिंदू परिषद कृतज्ञता व्यक्त करती है। हम भारत सरकार से यह अपेक्षा करेंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार वह आगे के कदम यह जल्दी उठाए। यह महत्वपूर्ण निर्णय भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है। हम विश्वास करते हैं कि अब भगवान राम के मंदिर का यथाशीघ्र निर्माण होगा। यह निश्चित है कि जैसे जैसे यह मंदिर बनेगा, समाज में मर्यादाएं, समरसता, संगठन, हिंदू जीवन जीने का प्रयत्न बढ़ेगा और एक सबल, संगठित, संस्कारित हिंदू समाज विश्व में शांति और समन्वय की स्थापना के अपने दायित्व को पूर्ण करेगा। You want me to speak that in English also? So, I'll repeat that in English. Today is a day of great rejoicing, satisfaction and fulfillment. It is after 491 years of struggles, numerous battles, innumerable sacrifices for the cause of the temple at Shri Ram Janmabhoomi that the Supreme Court of India has now finally pronounced the truth and justice of the matter. This verdict, given after a marathon hearing of 40 days, 200 plus hours, and without being distracted by a range of obstacles, is one of the greatest judicial verdicts in the world. The Hindu society the world over, forming 1/6 of the over 7 billion global population, had been anxiously waiting for this verdict for some 70 years through all judicial processes. At the end of day, the wait has fructified, the justice has prevailed, and we express our gratitude to the Honorable Supreme Court of India for this. Naturally, there is immense joy and cheer in the Hindu society all over the world. It is also certain that the Hindu has the nature to live in its maryadas. Therefore, this expression of joy is not aggressive to anyone. No one has been defeated. Nothing would be done that offends or humiliates anyone. And everyone should try to keep the harmony, the warmth, and the cordiality within the Bharatiya society. Today is also a day of expressing gratitude and thanksgiving. The first gratitude is to all those known and unknown Hindus who participated in these centuries-old struggles, suffered immensely, and many made the supreme sacrifice of their lives for it. The Archaeological Survey of India, I'm sorry, in the text it has been published as Archaeological Society. The Archaeological Survey of India, whose untiring efforts and unquestionable technical expertise enabled the honorable judges to arrive at this important unanimous verdict, is particularly deserving of the accolades. We thank all those historians and other experts whose irrefutable evidence formed the basis of this decision. We congratulate all the senior jurists and advocates whose untiring diligence has brought justice to the Hindu society. We expect that the central government shall now
expeditiously take further steps as directed in the judgment of the Honorable Supreme Court towards facilitating construction of a grand temple in Ayodhya. This important verdict is a significant and decisive step towards the construction of a grand temple of Shri Ram. We are confident that this grand temple will now be constructed at the earliest possible. It is certain that as this temple rises, it will inculcate the respect for the Maryadas, build an organized and harmonious Hindu society, endeavoring to inculcate Hindu values in the personal lives, and thus will be able to fulfill its obligations to ensure peace and harmony in the world. Thank you. मैं ओवैसी की बात पे कमेंट नहीं करना चाहता, बट आई वुड लाइक टू पॉइंट दिस आउट दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट गिवन इट एट एज अ बाउंटी. सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड के सूट को डिक्री किया है और उसके बाद कहा है कि उनको 5 एकड़ जमीन दी जाए, क्योंकि इस जमीन पे प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज में हिंदू का राइट बेटर है. और वो लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे ये उनको तय करना है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी वो सहमत नहीं है. उनका साफ कहना है कि 5 साल से मस्जिद थी और 6 दिसंबर को तोड़ दिया गया. मैं समझता हूँ कि इस बारे में सारे साक्ष्य और प्रमाण देख करके सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया है और इसलिए हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए. आलोक जी, सर, जो पत्थर तराशे जा रहे थे राम मंदिर निर्माण के लिए, अभी तक कोर्ट के फैसले के मुताबिक एक ट्रस्ट बनाएगी सरकार और वो इस प्रक्रिया को देखेगी, तो क्या अब आप लोग वो सारे सामग्री सौंप देंगे उस ट्रस्ट को और क्या आगे का होगा? अभी वो फैसले की पूरी कॉपी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हमको पढ़ने के लिए समय चाहिए होगा. पर यह तो निश्चित ही है कि मंदिर बनाने की जो भी व्यवस्था बनेगी वह सब जो है वो 60% पिलर्स और बीम्स तैयार हो गए हैं कार्व होकर के, और शिलाएं हैं उसका उस मंदिर के लिए उपयोग होगा. आप कह रहे थे You have asked 3 questions. The first, the VHP did not have a single point agenda. The VHP was formed in 1964. We took up the Ram Janmabhoomi movement in 1984. And I must tell you that we are running 100,000 acre vidyalayas in as many villages of the country. The service projects and many other activities. Ram Janmabhoomi was one of our activity, and we will continue to do the other constructive works and projects that we are running to organize the society. Second, about Kashi and Mathura, I must make it clear that the Supreme Court judgment is not the end of the story. It is the beginning of it. The obstacles to the construction of Ram Janmabhoomi have gone away. The temple is to be constructed, and with the construction, the conscience of the society will rise. Therefore, our entire focus now is on the construction of the temple, on the awakening of the society. And we are not looking at any other agenda. Third, the temple is to be constructed
not by VHP. We have fought for it. The fight has reached to a culmination and it is to be decided, Ram Janmabhoomi Nyas or the trust of the government. So it has to be decided as to who would construct the temple, but certainly not the VHP. Sir, trust me, Kashi or Mathura. I would repeat, मैं आपको दोबारा कहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद का संपूर्ण ध्यान राम जन्मभूमि का मंदिर बने, भव्य और पूरा बने और इसके साथ साथ देश में धर्म जागरण का काम हो, इस पर है। इसलिए और कोई मांग उठाने की हमें अभी फुर्सत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास में और कहीं देखने की अभी फुर्सत नहीं है और आप इस बात को जितनी बार पूछेंगे मैं इसको दोहरा दूंगा। फुर्सत कम मिलेगी, फुर्सत कम मिलेगी आपको। तो अयोध्या के फैसले पर वीएचपी का बयान। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार बात करते हुए हिंदुओं के लिए कहा प्रसन्नता और सम्मान का दिन, सभी राम भक्तों का अभिनंदन उन्होंने कहा। तो फैसले से यह भी कहा कि किसी की हार नहीं हुई है, किसी की जीत नहीं हुई है, फैसले से सत्य की जीत हुई है। तो किसी को पराजित भाव से इसे नहीं लेना चाहिए। अयोध्या के फैसले पर वीएचपी का बयान सामने आया। तो वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बहुत से सवालों के जवाब देते हुए, लेकिन कुछ जवाबों से बचते हुए भी वो नजर आए। चलिए सीधे रुख करेंगे। सबसे पहले देवेंद्र प्रमुख जी, आपसे ये जानना चाहूंगा, बहुत मशक्कत की उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि इसमें बहुत से लोगों ने अपना संघर्ष किया है, अपना बलिदान दिया है, अपना बहुत सा वक्त दिया है और आज उन सब पर निष्कर्ष निकालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है राम जन्मभूमि में राम मंदिर ही बनेगा। इसके लिए जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है उसका गठन किया जाएगा, फिर सरकार की मदद से राम मंदिर का निर्माण होगा जिसमें बहुत से नुमाइंदे शामिल होंगे। हो सकता है कि वीएचपी को काम मिल जाए मंदिर निर्माण का। लेकिन आपसे जानना चाहूंगा दो बातें जो रिपोर्टर्स उनसे पूछते रहे और जो कंसर्न असदुद्दीन ओवैसी का भी है, उनका कहना है कि अयोध्या तो झांकी है और काशी मथुरा बाकी है। तो काशी मथुरा पर जो बात हुई है उस पर टालमटोल कर गए। उन्होंने कहा कि पूरा फोकस हमारा जो है मंदिर पर रहेगा, मंदिर निर्माण को लेगा लेकर रहेगा अयोध्या में। कुलदीप सर बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, ठीक बात है बिल्कुल कि जो अयोध्या का था डिसीजन माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो सबको मान्य था और उसी पर आज भी सब कायम है। और अगर कोई व्यक्तिगत बयान अपना देता है कि कहाँ किसका निशाना है या किस तरीके का, तो मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, वो उनका अपना हो सकता है। लेकिन हमारा कोई भी जिम्मेदार बयान पार्टी से नेतृत्व या नेता करने वाला इस संगठन से कभी इस तरीके का नहीं आया और आज भी ऐसा कोई बयान नहीं है। हम सबसे पहले वही बात दोहराना चाहते हैं कि आज ऐतिहासिक दिन है देश के लिए और देश की सारी 135 करोड़ जनता के सब के लिए, हम सब के लिए। मुस्लिम समाज को फिर मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो भी बधाई का पात्र है और उनको भी सम्मान दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो अच्छी बात है। जिस पे हम हमेशा एकता की बात करते रहे, कुछ छोटे छोटे दल मिला के और विपक्षी दल मिला के इसको हमेशा जो रंग देने का रूप काम किया है उस पर मैं आपको थोड़ा कहना चाहूँगा कि वही लोग हैं, उन्हीं को नहीं पछ पा रहा है। और इसमें जो हमारे आरएसएस का जो बयान आप बता रहे हो बार बार, जो भी तरीके से मान भागवत जी ने कई बार बीच में भी बोला इस बार पे, उस पर भी बयान पे आप कभी देखिए कि हमने कभी भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जिस पे सफाई देनी पड़े। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको जान कर तोड़ मरोड़ कर जो अवैसी की बात उठा रहे हैं, उनके और कुछ सहयोगी हैं इनडायरेक्ट में जो उनको सपोर्ट्स करते हैं। अब्दुल जी और इस बात को जो है समर्थन करके आगे सफाई दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले कभी भी आरएसएस ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि काशी और मथुरा की भी बात की जाए। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, लेकिन असदुद्दीन साहब का ये कंसर्न है क्या, और मुस्लिम समुदाय का भी ये कंसर्न है, आपका भी कंसर्न है कि अयोध्या के बाद अगला निशाना मथुरा या काशी हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है, किसी के दिमाग दिल में ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी अपनी बात है, कोई अपनी बात कैसे ही बना ले और कैसे ही मनवा ले, कुछ भी कह सकता है, सबको अपना हक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमारे देश का माहौल बहुत अच्छा हो चुका है और होने जा रहा है और हो गया है। अच्छा ये भी बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, लेकिन इससे पहले मीडिएशन पैनल बना,
सबसे राय ली गई, जितने भी पक्ष हैं, मुस्लिम वक्फ बोर्ड हो या इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हिंदू पक्ष हो, सबसे राय ली गई, लेकिन बात नहीं बनी। उससे पहले 2010 में हमने देखा कि 2010 में भी एक ऐसा फैसला दिया गया जिसमें सभी को थोड़ा थोड़ा खुश करने की गुंजाइश छोड़ी गई हाईकोर्ट के द्वारा, लेकिन दरअसल कानून से बड़ा न्याय है, कानून न्याय के आगे आड़े नहीं आ सकता। सुप्रीम कोर्ट कम से कम यह कहता है, हालांकि बहुत सालों से कानून के तहत यह पूरी कार्रवाई पूरा मामला चलता रहा, लेकिन न्याय नहीं हुआ था और किसी को खुश कर देना यह न्याय नहीं था। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, पांच जजों की संविधान पीठ ने जो सर्वसम्मति से फैसला सुनाया, आपको लगता है कि पूरा देश हमारा खुश है? पूरा देश आपका जी इस फैसले और जो नेगेटिव रिमार्क्स मुस्लिम पक्ष की ओर से हल्के अंदाज में ही सही जो आ रहे हैं उसे आप ठीक मानते हैं? और अगर ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं, तो फिर आपको लगता है कि अब मुस्लिम पक्ष इसके आगे भी बढ़कर कुछ करना चाहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, कुछ लोग, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो पॉलिटिक्स पार्टी है जो कि राजनीति चमकानी चाहते हैं, वो कुछ भी कह देते हैं, कहीं कभी भी कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर बैठते हैं। लेकिन जनता, आवाम ऐसा नहीं कुछ सोच रही है। आवाम के दिलों में आप आज एक एक दूसरे के प्रति प्यार है और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और जब ये ऐसा फैसला हमारे, ये समझ लीजिए सबसे बड़ी अदालत ने ऐसा फैसला दिया, बहुत सोच समझ के दिया है, सब कुछ देखभाल के दिया है। और ये भी एक छोटा सा सवाल आपसे ये भी समझना चाहूंगा अब्दुल जी, ये बताइए कि दरअसल आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है जी, अगर अपनी रजामंदी के साथ ही मुस्लिम पक्ष इस विवाद पर अपना दावा पहले ही छोड़ देता जी, और अपनी मर्जी से हिंदू पक्ष के हवाले अगर उस जमीन को कर दिया जाता, विवादित जमीन को कर दिया जाता, तो आपको लगता है कि माहौल उससे अच्छा होता? उससे अच्छा होता, लेकिन कुछ लोग दोनों तरफा ऐसे थे जो नहीं होने देते, कुछ लोग दोनों तरफा और इधर उधर के लोग जो नहीं होने देते थे। ये एक मुद्दा बना, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर फैसला छोड़ा गया और ये उसका सम्मान करा गया सबसे बड़ी अदालत का, ये बहुत अच्छी बात है। और उस टाइम आपस में अगर एक दूसरा करता भी तो और लोग नहीं होने देते, कुछ लोग जो अपनी राजनीति को चमकाते हैं। आदेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, ये जो बात सामने आई वीएचपी की कॉन्फ्रेंस, आप भी सुन रहे थे, आलोक कुमार खुश भी थे, उन्होंने कहा कि आज राम मंदिर जो मंदिर है उसको बनाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है और बहुत बड़ा ये दिन है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जिसका कंसर्न मैंने आप अब्दुल जी से भी शेयर किया, आप भी बताइए कि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अब यहां रुकेगी या आगे बढ़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ कि पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पे रोटियां सेकती आई थी, राजनीति करती आई थी, आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय करके जो है वो उसको खत्म कर दिया है। जो आज के, मैं आशा करता हूं सरकार से कि सरकार देश के ज्वलंत मुद्दों पे काम करे, देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को किस तरह से दूर करना है, नौजवानों को, आप ये मानते हैं कि असर से रोजगार मिले? साहब जो अपना कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं कि काशी मथुरा हो सकता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं है, यह मानते हैं? देखिए, ये असदुद्दीन साहब इसका कह सकते हैं, उनका पार्टी का प्रवक्ता कह सकता है, हम इसमें बिलीव नहीं करते। हमारा काम है कि हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे, देश के अंदर भाईचारा कायम रहे, गंगा जमुना तहजीब बनी रहे और देश में लोगों को रोजगार मिले, किसानों को उनकी फसल का उचित पैसा मिले। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो देश के आगे खड़ी हैं। आज हमारे टाइम में था कि 5 साल में लोगों के बैंक में पैसे डबल हो जाते थे, आज 5 साल के बाद लोगों में पैसे मिलने बंद हो जाते हैं, उनकी जमा पूंजी गायब हो जाती है। तो इसको ठीक करना होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आप पीएमसी का उदाहरण आपके सामने है कि पीएमसी में किस तरह से लाखों लोग प्रधानमंत्री को मिलना चाहते थे रैलियों में, वहां नहीं मिल सके, गृह मंत्री को मिलना चाहते थे नहीं मिल पाए, वहां के मुख्यमंत्री को मिलना चाहते थे नहीं मिल पाए और लोग धक्के खाते रहे। ठीक है, मैं अनुरोध करूंगा सरकार, मैं अनुरोध करूंगा सरकार के, देश की जेन्युइन सरकार उसके एड्रेस करना बहुत जरूरी है। उन सवालों का जवाब मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि बहुत सारे सरकारी विभागों में संख्याएं मिलनी बंद हो गई है। कल एक व्यक्ति ने 10 मिनट संख्याएं मिली, अपने कार्यालय में सुसाइड कर लिया, अपने कार्यालय में आत्महत्या कर ली। ये देश के सामने दौलत मुद्दे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे। लेकिन जो भी है, ये मुद्दे बहुत जरूरी है, इन पर प्रमुख साहब से बातचीत करेंगे, उनसे जवाब भी लेंगे और इससे ज्यादा धासु सवाल पूछेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने घोषणा पत्रों में
जो लेकर आती थी एजेंडा, उस एजेंडे की जो सबसे बड़े बिंदु थे उन दो बड़े बिंदुओं पर पार पा लिया है। भले ही राम मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का भी था, उनके हक में ये फैसला आया है। तो जनता को दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास वो दो बड़े मुद्दे जिनसे कांग्रेस डरती थी, उन्हें छेड़ने से डरती थी, धारा 370 पर वो बात तक नहीं करना चाहती थी, डिस्कशन तो दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही ये मंशा क्लियर कर दी कि धारा 370 पर आखिर बात तो होनी चाहिए, कुलदीप जी कुलदीप आखिर बात भी होनी चाहिए। और फिर किस तरीके से आप कहते हैं कि धारा 370 चला जाएगा, दूसरी मुख्तलिफ पार्टियां रीजनल पार्टियां ही कहती थी धारा 370 चला जाएगा, तो ना जाने पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो क्यों ना कहा जाए कि आप भी तो सियासत करते रहे पिछले 70 साल, आप भी तो धारा 370 को लेकर, राम मंदिर को लेकर बड़ी बड़ी सियासतें करते रहे, आप भी अपीजमेंट की राजनीति खेलते रहे, मानेंगे इस बात को आप? कुलदीप जी, हमने जो भी राजनीति की देश के लोगों के हक में की, देश की उन्नति और तरक्की के लिए की। मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे टाइम में 5 साल में पैसा डबल हो जाता था, आज 5 साल में पैसा ही गायब हो जाता है। ये अंतर है जो है, इस अंतर को पहचानने की आवश्यकता है और लोग इस अंतर को पहचान रहे हैं, ये देख रहे हैं लोग के प्री लाइंस चुनाव से पहले गठबंधन, चुनाव से पहले गठबंधन, चुनाव के बाद हक में परिणाम आने के बावजूद भी सरकार नहीं बनती है नहीं, तो कितना छल और कपट, कितना छल और कपट है वो लोगों को समझ में आ रहा है। एक बार भी अमित शाह जी ने स्पष्ट नहीं किया, लेकिन जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये 50-50 का फार्मूला हमारा तय हुआ था चुनाव से पहले, तो जब वो 50-50 के फार्मूले की बात करते हैं तो अमित शाह जी एक बारी भी उसका खंडन नहीं करते हैं, चुप्पी भी स्वीकृति होती है। तो इसका मतलब पहले ये तय हुआ था, लेकिन आज उस तय से वो अलग हटना चाह रहे हैं, उसको करना नहीं चाह रहे हैं, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि चुप्पी भी स्वीकृति होती है। मैं कोई फ्री पासेज नहीं देना चाहूंगा प्रमुख जी को, लेकिन आप ये बताइए, अब असल मुद्दों पर हम जरूर आएंगे, लेकिन ये बताइए आप कि दो बड़े मुद्दे देश के 70 सालों से या उससे भी पुराने, वल वो हल हुए ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, ये तो मानकर अब चलना पड़ेगा। ये कोर्ट ने हल किया नहीं, है नहीं, मैं मानता हूं कोर्ट ने हल किया है, ठीक है, ये कोर्ट ने हल किया है। आप उसका श्रेय कुलदीप जी किसी एक राजनीतिक पार्टी को दे रहे हैं, नहीं, नहीं, मैं माफी चाहता हूं आपका, आप कहीं ना कहीं बात तो कहीं बात कर रहे हैं, इसका श्रेय अगर आपने मुबारकबाद भी जो है वो धर्मेंद्र जी को दिया था अभी थोड़ी देर पहले, आपको मुबारकबाद देना था सुप्रीम कोर्ट के जजों को, आपको मुबारकबाद देना था। आपके सवालों पर आता हूं, आपके कंसर्न जो है मुबारकबाद देना चाहिए, मैंने धारा 370 पर दी, मैंने धारा 370 पर दी, कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट, 370 तो आज का इशू ही नहीं है कुलदीप जी, आज का इशू है, आज का इशू है अयोध्या के मंदिर पे फैसला, उसका सबने स्वागत किया है, उसके बाद आपने चर्चा शुरू की कि देश के अंदर शायद अब जो है, चलिए ये बताइए आपकी धारा, ये सवाल जी जी ठीक है, यही अगर आज मुद्दा है तो ये बताइए कि आज जो फैसला आने वाला था उससे पहले जो तैयारियां थी खासतौर पर यूपी सरकार की अयोध्या में जो तैयारियां थी, अभी तक ऐसी कोई गलत खबर नहीं आई है, इसके लिए आप क्रेडिट देंगे सरकार? तो ये जिम्मेदारी थी उसकी, मैं कहूंगा जिम्मेदारी थी उसकी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन सरकार ने लेना होता है, वो लोग उनके पास आईबी की रिपोर्ट होती है, इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट होती है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का दायित्व है, बिल्कुल ठीक है, सरकार का दायित्व है। दंगे कराने वाले कौन है सारे देश में सबको मालूम है। चलो आज एक बड़ा दिन है, दंगदूंगों की बातें नहीं करते हैं प्रमुख साहब, अब दूसरे मुद्दों पर भी आते हैं। दो बड़े गोल आपके अचीव हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ही दरअसल आपके फेवर में नहीं लेकिन आपका जो एजेंडा था उसके तहत एक निर्णय आया है। लेकिन अब आगे बातों पे तो आइए, महाराष्ट्र में उन्होंने सवाल खड़े किए कि 24 तारीख से आप सरकार बनाने की कवायद में है, उससे पहले गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़े, आप अभी तक, आज आखिरी दिन है लेकिन अभी तक आप सरकार नहीं बना पाए, जनता को क्या मूर्ख समझा है आपने? कुलदीप सर क्लियर कर, नहीं आप ये बताइए कि अमित शाह साहब ने अगर कोई कमिटमेंट किया है तो वो खुलकर सामने क्यों नहीं आते? पहले तो मैं पिछले जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आप वहां जाना चाहूंगा, बैक में ले जाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आपने भी ये क्वेश्चन उठाया कि 370 का मामला था, 370 और सुप्रीम कोर्ट का जो आज डिसीजन आया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन 135 करोड़ लोगों को ध्यान में रखते दिया, नहीं इसका जवाब जल्दी दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, उसमें आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का सर्वसम्मति से नहीं, उसमें हमने कभी अगर सरे लेने का काम किया है या अपनी बात रखने का काम किया तो हमेशा राजनीति बताया गया उसको, हमने उसमें कोर्ट को आगे किया है तो आज आप कोर्ट को सरे दे रहे हैं, कोई बात नहीं आप कोर्ट को तो दीजिए, क्योंकि कोर्ट में भी ले जाने वाले हम हैं,
क्योंकि आपने 70 साल ये कोर्ट नहीं आई था और आप 370 की बात कर रहे हैं। आप बार बार वक्का बोर्ड आप नहीं है, निर्मोही अखाड़ा आप नहीं है, आप बार बार कर रहे हैं तो मैं 370 आप नहीं है कह रहा हूं कि 70 साल में आप भी यहीं थे और 370 देन भी आप लोगों की थी। बधाई देना चाहता हूं आज नेहरू जी आपके बीच में नहीं है, सरदार पटेल जी ने 370 पर उसी समय निर्णय लिया था, लेकिन माननीय आपके सुप्रीम नेहरू जी ने उनके लेटर को कोई उस समय प्रमुख साहब दरअसल करने में बिल्कुल स्पष्ट मने किया। देवेंद्र देवेंद्र प्रमुख साहब आदेश जी का कहना है, आदेश जी का कहना आज उसी को मैं कह रहा हूँ, आदेश जी का कहना है, इसका जवाब दीजिए। सुन्नी बकबोर्ड को आप थोड़ी लेके गए, बहुत पुराना मुद्दा है, सुन्नी बकबोर्ड को आप नहीं लेके गए। भारत के संविधान की खूबसूरती है, लोगों को सुधारने के लिए 70 साल लग गए हैं, लेकिन मात्र हमने उसमें उसी पे 3 साल से भी कम काम किया है और उसमें आज देश का सबसे बड़ा काम जिसे पूरे देश की जनता चाहती थी, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो और पूरी दुनिया चाहती थी, उसको आज समाधान करने का काम हमारे उन सब लोगों ने मिलकर किया है जो इस देश का हिस्सा है और हमारी पार्टी का भी हिस्सा है। हम सब उनको बधाई देते हैं, उनकी मेहनत के लिए उनको बधाई देते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन दिया है कि सब चीज को ध्यान में रखकर जैसा हमारा पूजनीय लोकतंत्र है ऐसा ही पूजनीय डिसीजन उन्होंने दिया है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है ये बताइए। महाराष्ट्र 2014 में 55वां रैंक था भारत का भुखमरी में, आज 102 नंबर महाराष्ट्र में मुझ पे बात करना, पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल भी हमारे से अच्छी स्थिति में है। मैं महाराष्ट्र का विषय चाहता हूँ, ये चिंता का विषय है कि 55वें स्थान से 102वें स्थान पे पहुंचा दिया, आज पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश हमारे से अच्छी स्थिति में है। इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है, इनके लिए काम करने की आवश्यकता है, लेकिन सरकार कहीं जो है उनसे ध्यान भर गलाने के लिए इन चीजों का सहारा लेती है। ये भी बताना पड़ेगा आपको, दो बड़े मुद्दों पर आपने सुप्रीम कोर्ट को नमन करना, आप अपने आप को क्रेडिट देना चाहते हैं तो ये बताइए कि भुखमरी क्यों बढ़ती जा रही है, जो सारा ध्यान आपका उसी सियासत पर है, उन मुद्दों पर है आपका ध्यान। 10 महीने से तनख्वाह न मिलने के कारण अपने ऑफिस के अंदर महाराष्ट्र पे आपको जवाब चाहिए तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। देवेंद्र जी को मौका दीजिए, आप जो है फटाफट से अपना जवाब दीजिए। अब आपसे सवाल बहुत से जवाब दूंगा देवेंद्र जी। महाराष्ट्र की बात आप उठा रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र फिर इधर से घुमाइए मत, देखिए जब जो सवाल आया पहले महाराष्ट्र पहले उसको एड्रेस करते हुए चलिए। लोकतंत्र देखिए कुलदीप सर, आपने कई क्वेश्चन कर लिए बार बार, महाराष्ट्र में जरूरी हो गया आपको बताना। महाराष्ट्र की आप बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जीत कर आए हैं और हमारा अधिकार बनता है वहां राज्यपाल को मिलना, सरकार बनाने का प्रयास करना। और दूसरा, अगर वहां सरकार नहीं बन रही, ये आपस के मतभेद होते हैं, आपके कांग्रेस के और उनके सहयोगी दलियों के दल के मत कई बार हुए, महाराष्ट्र में भी और कई जगह हुए। देखिए अगर आप लड़ेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए, अगर आपके जनता ने आपको वोट नहीं दिया, वहां हम लड़ नहीं रहे, हम वहां मौका दे रहे हैं। आप बार बार कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना से मिल रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, आपके नेता शरद पवार जा रहे हैं, सोनिया जी से मीटिंग कर रहे हैं। अरे आप में दम है, आप लोग तो मिलकर आइए ना मैदान में, आपको पता लगे अखात का वहां आके। अरे आपके पास बहुमत तो है, क्यों नहीं हिम्मत जुटा पा रहे? शरद पवार पेश करें ना, देवेंद्र कांग्रेस पेश करें वहां के एक पार्टी के रूप में सरकार बनाने का। हम वहां सबसे बड़ी पार्टी हैं और उसके रूप से बैठ के लोकतांत्रिक तरीके से वहां के इंतजार कर रहे हैं कि वहां क्या निर्णय निकल के आता है और उसका आप इंतजार देखिए क्या होता है महाराष्ट्र में। जो लोकतंत्र चाहेगा उस तरीके से वहां सरकार बनेगी। आदेश जी, जो सोच भारतीय जनता पार्टी की उससे ज्यादा घातक सोच तो आप कहते हैं कि शिवसेना की है, अब क्यों प्यार उमड़ रहा है शिवसेना? नहीं नहीं, हमारा नहीं नहीं, हमने एक बारी भी ये नहीं कहा। हमने जिस दिन 24 तारीख को चुनाव के परिणाम आए वहाँ के लोगों का धन्यवाद किया और जो मैंडेट आपने अभी कहा उसको स्वीकारा और शरद पवार जी ने मने किया, आप लोगों ने अभी कहा शिवसेना को, विपक्ष के आप लोगों ने कहा हम बाहर से समर्थन देना चाहते हैं, जिम्मेवारी निभाएंगे, लेकिन आप किस कष्ट को संभालेंगे? आप कहां की टोन, कहां की पूछ, जोड़कर सरकार देना चाहते हैं? चलिए आचार्य संजीव जी, आचार्य संजीव जी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं बना पाते, उनको भी वक्त देते हैं थोड़ा। सरकार आचार्य संजीव जी, आचार्य संजीव जी, अब संजीदा सा सवाल आपसे मेरा यही कि जो दो बड़े मुद्दे थे इस देश के, देश ने उन दो मुद्दों को एड्रेस कर लिया है, अब बारी है
कि उन सच्चे मुद्दों को सामने रखा जाए जिनकी दरकार इस देश को है। महंगाई की अगर बात की जाए, इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी देश को एड्रेस करना है। आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है, दो बड़े मुद्दों से फारिग हो चुका है देश? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ समय पहले एक बात कही थी कि हमारे पास तीन विजन है लेकिन चौथा विजन जोड़ा जाए विश्वास का। आज वक्त आ गया है, प्रधानमंत्री जी ने पहले में कह दे, अब समाज के अंदर विश्वास की जीत होनी चाहिए, लोगों के अंदर विश्वास बढ़ना चाहिए सत्ता का। और रही बात अब जो किसानों की स्थिति है उसके अंदर सुधार के लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। अब ये मुद्दे जो रामलला का मुद्दा है, ये जो 370 का मुद्दा, ये सब गौण हो चुके हैं, ये सबके ऊपर फैसले आ चुके हैं। सरकार ने जो किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो सब बधाई के पात्र है, लेकिन असली मुद्दा ये है कि हम अंदर जो महंगाई से जूझ रहे हैं, जो हम लोग अभी अभी कुछ दिन पहले जो हम लोग भयानक बाढ़ से जूझे थे, अब उसके ऊपर सरकार को एक बहुत अच्छी रणनीति बनाकर उसके ऊपर काम करना चाहिए। ये जनता कब तक त्रस्त रहेगी? मैं जानता हूं कि हर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, अपने समय में अच्छा काम करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जो इस समय चल रहा है, इस समय देश का आम नागरिक थोड़ा परेशान है, चाहे वो फाइनेंस को लेके हो, चाहे बैंक की गतिविधियों को लेके हो, चाहे बैंक की दादागिरियों को लेके हो, चाहे सरकार की नीतियों को लेके हो, सरकार को इस ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और जब तक जनता का विश्वास सरकार नहीं जीतेगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप अब आने वाले दिनों में जो गिरेबान है वो खींचेंगे सरकार की, कि इकोनॉमिक जो स्लो डाउन चल रहा है अब उस पर बात होनी चाहिए, अब जो अनएम्प्लॉयमेंट है उस पर बात होनी चाहिए, अब टीवी की डिबेट के शो हिंदू मुस्लिम नहीं होने चाहिए? जी आचार्य संजीव, हो सकता है आवाज नहीं जा पा रही है। ठीक है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से संपर्क साधने की उनसे कोशिश करेंगे। प्रमुख साहब, आपके पास ही आऊंगा। आप ये बताइए कि अब जो सवाल ये किया गया और महाराष्ट्र का खास तौर पर जिक्र हो रहा था, अब आप लौटेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को एड्रेस करेंगे आप, क्योंकि देश में पिछले कई सालों के मुकाबले इस क्वार्टर में या इस साल में फाइनेंशियल ईयर में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है वो तो एक नजीर सा बनता जा रहा है। कुलदीप सर, इसमें भी हम क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल आपने अच्छा क्वेश्चन उठाया और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम कभी नहीं हटते जिम्मेदारी, हम जवाब देते हैं। आप जीडीपी की दर कर रहे हैं बार, देश की विकास दर की जो बात है वो इतना की, इससे और भी निम्न स्तर पर गई है कई बार, और सरकारों में और ज्यादा भयानक स्थिति हुई है, लेकिन समय रहते हुए हमने उसको संभालने का काम किया है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसे आप, प्रकृति का ऐसा मामला रहा आपके, आपने किसान के बारे में बात की, किसान की बात की कि किसान की जो कमर टूटती है, जो मौसम बेमौसम की बारिशें हुई हैं, या जो आप प्याज का मुद्दा चल रहा है, धान का मुद्दा चल रहा है, उसमें सरकार ने एक बढ़कर काम किया किसान के लिए। और सबसे बड़ा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर एनसीआर का और महाराष्ट्र का जो गन्ने का मामला है, जो पिछले 70 साल में किसान की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने अगले मुद्दों पर बढ़कर, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से 6000 से 8000 करोड़ का जो क्षण था मिलों पर देने का काम किसानों का किया है, जो पिछले 70 साल से अटका, अब आके यह स्थिति आई है। यह किसान को स्ट्रांग करने का काम है। नहीं, मेरा सवाल यह नहीं है मुख्य साहब, मेरा सवाल देवेंद्र जी यह है कि दरअसल आप कहें योगी आदित्यनाथ ने गन्ना की जो फसल है उसका जो पेंडिंग था, एरियर था, वो भी उसका भी भुगतान किया। वो तो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अपने कार्यकाल का बल्कि मायावती जी के कार्यकाल का, समाजवादी पार्टी सरकार की कार्यकाल का भी गन्ना भुगतान उन्होंने किया है 60,000 करोड़ रुपयों के आसपास, ना जाने कितने हजार करोड़, फैक्ट नहीं, मे बी फिगर में कुछ गलत हो सकता है, लेकिन कोई मैकेनिज्म आपने अभी तक ऐसा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया जितनी बात आप किसानों के लिए करते थे। आदि जी, आप क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल ही भारत सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश की सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, हमने धान की फसल पे 160 रुपए क्विंटल के हिसाब से पिछले साल कमलनाथ जी ने बोनस दिया था। कल भारत सरकार से चिट्ठी गई है कि अगर कमलनाथ सरकार किसानों को बोनस देगी तो वहां के किसानों का धान नहीं खरीदेंगे। ये धमकियां दी जाती है राज्य सरकारों को, क्योंकि वह कांग्रेस की सरकार है। इनको सीखना चाहिए कि अगर कमलनाथ की मध्य प्रदेश में सरकार बोनस दे सकती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार और हरियाणा की सरकार को भी किसान के लिए मदद करनी चाहिए। आज के अखबारों की सुर्खी कई पन्नों पे लिखा हुआ है, कई अखबारों में लिखा हुआ है कि किस तरह से भारत सरकार ने राज्य सरकार को चिट्ठी भेजी है, उसमें धमकी दी गई है कि अगर मध्य प्रदेश की सरकार किसानों का बोनस देगी तो हम आपका धान नहीं खरीदेंगे, किसानों का धान नहीं खरीदेंगे। इस तरह से आपको क्यों नहीं बोनस मिलता? बोनस
वोटों में क्यों नहीं बोनस मिलता? वोटों एक्स्ट्रा वोट क्यों नहीं मिलता फिर? वोटों में बोनस जो है वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि जिस बात को भारतीय जनता पार्टी कहती है उस बात को करती नहीं है, और कहीं ना कहीं मुद्दों को बरगला के लोगों को भावनात्मक चीजों पे लाके कहीं ना कहीं उसका फायदा लेना चाहती है। हमने भावनात्मक चीजों पे कभी चुनाव नहीं लड़े, हमने धर्म और राम जाति के नाम पे चुनाव नहीं लड़े। अगर भगवान की जाति भी बताने का ठेका अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही भगवान की जाति भी बता देते हैं जो इस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको छुपा हुआ नहीं है कि पहले अपीजमेंट और फिर अपीजमेंट करते करते जब आपको लगा कि ये तो नेगेटिव जा रही है बात, अब सॉफ्ट हिंदुत्व आप कहीं ना कहीं फंस गए हैं। अपीजमेंट एक किनारा और दूसरा सॉफ्ट हिंदुत्व, आप बीच में कहीं आपकी नैया जो है डगमगा गई है, इसी वजह से किनारे लग ही नहीं पा रही। कुलदीप जी, शायद आपको गलत फहमी है, सोमनाथ का मंदिर बनाया तो कांग्रेस ने बनाया। अगर यहाँ पे अयोध्या के अंदर मूर्ति स्थापना राजीव गांधी जी ने शिलान्यास कराया जो है, तो ये हमने सब किया, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने उसमें दंगे कराने के काम किए और जिसके कारण लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और आज वहां से रास्ता निकला। सरकार की नीयत साफ हो तो ये रास्ते सरकार निकाल सकती है, लेकिन उसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए, नीति साफ होनी चाहिए। सरकार के अंदर ये खोट था और कहीं ना कहीं लोगों को बरगलाना चाहते थे, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट को ये हस्तक्षेप करना पड़ा और उसका एक निर्णय आया और जिसका सब लोग सम्मान करते हैं। आपको इस तरीके से देखा जाता है कि राम मुद्दे के मामले में आप पूरी तरह से तटस्थ रहे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आप पूरी तरह से तटस्थ रहे राम मुद्दे के मामले में, भले ही आपने इसे कोर्ट पर छोड़ दिया हो, लेकिन इससे पहले भी बहुत लंबा ये मामला चला। मूर्ति स्थापना का काम कराया, अच्छी बात आप आज बोले आप कुलदीप, खास इस बात को आप 60 साल पहले समझ जाते होते कुलदीप जी, आज आपने देर कर दी तो इस बात को अगर आज समझ जाते जी, तो कांग्रेस पहले भटकी थी ना आज भटकी है, और आज भी हम लोगों के हित में काम करते हैं। हमने राहुल गांधी जी नोटबंदी के कारण काली तीन वर्ष हुए हैं, नोटबंदी के फैसले को काली तीन वर्ष हुए, पूरे देश में जाते कासवा हिंदू मंदिर और हिंदू संस्कृति का ज्ञान करके जाते, चौपट है व्यापार, चौपट है कहीं ना कहीं तमाम ऐसी चीजें आप लोगों की सरकार की गलत नीतियों के कारण लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हम तो चाहते हैं कि आप राम के नाम पाए, हम रोजगार देने की बात करते थे, आप कृपा करें ईश्वर परीक्षा, आप जो है कहीं जालीदार टोपी लगा के ना तो मुस्लिम का भला कर रहे और ना हिंदुत्व का भला कर रहे। सरकार कम से कम आप जिधर भी हैं एक तरफ क्लियर करें। आप मस्जिद में जाइए, ईमानदारी से टोपी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मस्जिद के बन के रहिए। आप तो मंदिर में जाकर साहब, ये तो फैक्ट है, आप कितने तटस्थ रहे कि कोर्ट में भी जो मामला पहुंच गया जाइए, कोर्ट में भी उस मामले को तरीका से कीजिए, आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं 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 आदेश साहब, आप तटस्थ रहे, कोर्ट में जो मामला पहुंच भी गया उस पर भी कोर्ट में डिले करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी जी, ना उसमें कांग्रेस तो सियासत भारतीय जनता पार्टी सियासत इसमें भारतीय जनता पार्टी, आप देश को गुमराह ना करें, ना उसमें कांग्रेस अपना पक्ष रख रही थी, ना भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष रखी, उसमें जो पक्षकार थे उनका वो कोर्ट के अगर ऑर्डर पढ़ लोगे मेरे पास मोबाइल में, नहीं बिल्कुल ठीक है, तो एड्रेस पक्षकार कांग्रेस नहीं थी, क्या पता चल जाएगा, पक्षकार कांग्रेस को गुमराह ना करें, देश को गुमराह ना करें, लेकिन पक्षकारों के जो नुमाइंदे थे, पक्षकारों के जो नुमाइंदे थे उन पर तो सवाल खड़े होंगे ना, टॉप के जितने भी वहां लॉयर्स थे सारे काम कर रहे थे, आज भी तो सब लोग ओपन कर रहे थे, कहां आज कोई 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 भी चीज निकल कर आई, तभी मैंने कि किसी ने रोकने का काम किया कि हो, किसी ने डिस्टर्ब करने का काम किया हो, हाल ही में रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज इसको कहां जीना, जो पैनल पांच जजों का है उन्होंने अपने प्रभाव से डिसीजन किया, काश ये प्रभाव उनके पास आज से 7 साल पहले आ जाता। कुलदीप जी, हमने धर्म और जाति की राजनीति नहीं करी, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं कि भगवान की जाति भी अगर बताते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सर मैं क्लियर करना चाहता हूं, देवेंद्र जी आपको भी साफ करनी होगी, अगर आपको भी साफ करनी होगी, इलेक्शन कमीशन के कोर्ट वायलेशन आप भगवान राम की जाति भी बताते हैं, हनुमान जी की भी जाति बताते हैं, आप हनुमान जी की क्या होते? एक फर्क है मुख्यमंत्री, देखिए एक फर्क है हमारे इनमें, शुरुआत ये लोग करते हैं,
अगर इन्हें मस्जिद जाना है हमें कोई एतराज नहीं है, आप टोपी अगर आपने लगाई है मस्जिद में जाके नमन किया है तो कम से कम आप उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए, हमें कोई एतराज नहीं है, आप जाइए। आप मंदिर जाते हैं और वहां अपना जब आपका गोत्र बूझने की पूजन कराते हैं आप, माननीय योगी जी की आप होड करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की होड करते हैं, आपका पुजारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपको गोत्र का पता नहीं आपका तो कैसे आप किस तरीके से आप कह देंगे कि हम हिंदू हैं और मुस्लिम हो जाते हैं, आप अपने आप को मुस्लिम साबित नहीं कर सकते। आपकी दयनीय स्थिति होने का कारण यही आदेश सर, आप इस पे मंथन कीजिए, एक तरफ आकर खड़े होजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो कोई नहीं, गर्व से कहिए कि हम मुसलमान हैं, कोई दिक्कत नहीं आपको। अगर आप नहीं हैं तो आप गर्व से कहिए कि हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए कम से कम अपने धर्म के साथ खड़े हैं, और अपनी जात और बिरादरी जिसकी बात करते हैं, जो हमारी आस्था है 100 करोड़ लोगों की, उसके साथ हमारा निर्णय है, ये निर्णय करती है भारतीय जनता पार्टी। हम मस्जिद में जाते हैं, हम मुस्लिम का सम्मान करते हैं, लेकिन टोपी लगा के उनको गिराने का काम नहीं करते, क्योंकि वो झूठ है। हम उस टोपी को मंदिर से जब मस्जिद से बाहर आते हैं तो उतार कर जेब में रख लेते हैं, शर्म लगती है हम लोगों को। अगर शर्म लगती है तो टोपी सर पे क्यों रखते हैं आप, नहीं रखो। अगर आपको छुपाने की जरूरत पड़ती है कि आपके हाथ में कलावा है, आपके हाथ में गले में जनेऊ है, तो जनेऊ मत डालो आप, स्पष्ट करिए आप। मेरा क्वेश्चन देवेंद्र जी, कांग्रेस से क्वेश्चन, आदेश जी सवाल ये कि 2014 सालों तक इन्होंने तिरंगे का सम्मान नहीं करा, तिरंगे को लहराने में कहीं कोताही बरतते थे, सर जो क्वेश्चन उठाया जाता है छोड़ के आप दूसरे पास है, मैं तिरंगे का भी क्लियर कर दूंगा कि आप लोग तिरंगे के कितने भक्त हैं, आप लोगों ने तिरंगे के लिए क्या किया, मैं वो भी क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं तो बैठा ही क्लियर करने के लिए। आरएसएस का चरित्र मेरी मेरी जवाब नहीं बनती है, मुझे कोई हिचक नहीं है, देश के सामने है। आपका क्वेश्चन जो जवाब के लायक आएगा मैं दूंगा। मैं आपसे फिर भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आपको एक बड़ा मैंडेट मिला है, आप नौजवानों के साथ इंसाफ करें। 2017 के एसएससी के रिजल्ट अभी तक भारत सरकार ने नहीं दिए, 2018 की परीक्षा नहीं हुई है, 2019 की परीक्षा नहीं हुई है, किस तरह के नौजवानों के निर्माण की बात कर रहे हैं। आप लेकर मैदान में आए तो हम स्वागत रिजल्ट नहीं देते, बेरोजगारी बढ़ रही है, चैनल्स के माध्यम से इस तरीके से जनता को भड़काने का काम करें तो उसका जवाब कहां से आएगा। यही तो कह रहा था कि पूरे चुनाव आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राफेल राफेल चिल्लाते रहे और उस राफेल को सुप्रीम कोर्ट ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आपने पूरा टाइम निकाल दिया और दुर्गति होगी तो अपना छोड़ के भगना शुरू कर दिया। राफेल में जितना फिर हम आपको समझा रहे हैं, हम फिर आप बता रहे हैं भी फैसला आने वाला है, फैसला आने वाला है, उस राफेल में जितना फैसला, उस फैसले की भी हमें घड़ी का भी इंतजार है, वो घड़ी भी आने दीजिए आप। जैसे आज कोर्ट के माध्यम से कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें आज डिसीजन दिया, उस पर भी आने दीजिए। आज जो मंदिर के फेवर में गया है, मुस्लिम के फेवर में, दोनों गया, मैं दोनों को मानता हूँ। अच्छा, दोनों को सम्मान दिया। अच्छा ठीक है, अब्दुल अजीज जी आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन राफेल इससे अलग है बिल्कुल। मुस्लिम स्कॉलर एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे आपके सामने बैठे, राफेल के अंदर किस तरह के सीएनजी, कांग्रेस पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति वो बहुत लंबे सालों तक दशकों तक करती रही। कौन सा रवैया समझ आता है आपको, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक उस तरफ खड़ी है जो कि मेजोरिटी की सरकार बना के इस वक्त बैठी हुई है, और जो डर था मुसलमानों का बार बार, आज भी ये डर दिखाया जाता है कि मोदी सरकार आएगी तो मुसलमानों के साथ ये होगा वो होगा, कांग्रेस उस तरफ बैठी है जिस पर अपीजमेंट की राजनीति का आरोप लगता है। मुसलमानों को मोदी जी से या योगी जी से कोई डर नहीं है, कोई भी बिल्कुल ज़ाज़ी भी चिचक नहीं। तो आदेश जी आपको क्यों लगता है ऐसा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लगता, एक चीज से भी लगता है। नहीं नहीं हमें सुनिए आदेश जी, हमें नहीं, आप गलत कह रहे हैं। हम अंग्रेजों से इतने साल लड़े हैं, मुसलमानों को हम आजादी के लिए इतनी लंबी लड़ाई लड़े, इतनी शहादत दी, हम तब नहीं डरे, इनसे क्या डरेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी देवेंद्र जी ने कहा रफाल के ऊपर सहारा लिया इन्होंने कि सीएजी ने एग्जामिन कर लिया, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। जवाब ले लीजिए जी अब्दुल, ये विवाद समझना चाहूंगा, ये विवाद समझती क्या है, ये विवाद अब से बहुत पहले खत्म हो गया होता। इन्होंने सही कहा, इन्होंने खुद बताया इकबाल करा से, देखिए जानते हैं ये अयोध्या जो है राम की नगरी है, ठीक है नहीं, राम भगवान सब मानते हैं, सम्मान करते हैं उनका, ठीक है नहीं। मूर्ति है नुकर राजीव जी ने, इन्होंने क्या मूर्तियों का स्थापना जो थे राजीव जी ने करी थी वहां पे, ठीक है नहीं। इन्होंने कहा नहीं कुछ गलत होगा, आप क्लियर कर देना उससे। हाँ जो बात है ठीक है। और जब अयोध्या ही राम जी की है तो वहां मूर्तियों की स्थापना करी थी, मस्जिद में जो रखवाई गई थी, मुसलमानों के दिमाग में तो ये गलबलाट चल रही थी, ये रखवाई गई है, ये किसने रखी जो ताला खुलवाया गया था, और जब से विवाद होना शुरू हो गया था।
और राजीव जी ने वहीं से शुरू करा था अपना अपनी यात्रा इलेक्शन की। नहीं ये तो देखिए बिल्कुल क्लियर मामला है। हाँ, सारा अब इन्होंने साफ करा ना माहौल बना कांग्रेस के खिलाफ, ये जो इस तरीके से ताला खुलवाया गया, चुनाव भी पास में थे सब कुछ। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कुलदीप सर, देखिए अभी हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, वो बिल्कुल जो जो चीज उनके दिमाग में है वो राजनीति नहीं कर रहे हैं 1% भी, और राजनीतिक बात हमारी और आदेश जी की हो रही भी है, होनी भी चाहिए मुद्दे के हिसाब से। लेकिन कभी कभार एक हमारी गलती इतनी बड़ी गलती हो जाती है कि अगर उसे नहीं मानोगे तो गलती पे गलती। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो राजीव जी ने गलती की है आप उसे अब ना दोहराएं। अगर आप मंदिर के मामले में स्पष्ट हैं तो बिल्कुल आपको स्पष्ट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और अगर अब भी आपसे गलती, आज सबसे पहले आपको भारतीय जनता पार्टी को बधाई देनी चाहिए थी, पहले ही उसमें बधाई देनी चाहिए थी, पूरी कांग्रेस को बधाई देनी चाहिए थी, और पूरे छोटे उन दलों को मायावती और मुलायम सिंह जी को भी बधाई देनी चाहिए थी कि उन्होंने 100 करोड़ लोगों की लड़ाई लड़ी है और उसका हिस्सा किसी ना किसी रूप में हम भी कहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को ये बधाई के बाद आज बधाई देने का वक्त था। आज कितनी भी बड़ी आप हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन चूक गए आज, चूक गए आज लोग, आज कांग्रेस और जो आदर्श दल है वो चूक गए आज भी कि उनके पास एक समय था अपने आपको सुधारने का और मुस्लिमों की नजर में भी। चलिए ठीक है आचार्य, गलत बात है, 60 साल में गलत बात है। कुलदीप जी 2014 में 57 रुपए डॉलर का रेट था जो आदरणीय मोदी जी कहते थे कि डायलिसिस पे है, आज 72 रुपए पे पहुंच गया है। बधाई के पात काबिल है क्या? आज 55 नंबर पे जो भारत था भुखमरी में, आज 102 नंबर पे पहुंच गया है, बधाई के काबिल है क्या? देश में बेरोजगारी जो है सबसे ज्यादा 70 सालों में, राजीव कुमार योजना आयोग के अध्यक्ष ने, उपाध्यक्ष ने कहा कि 70 सालों में इतनी बेरोजगारी हमने नहीं देखी जो है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहा 2018 के अंदर जब किसानों को अपनी फसल बोने के लिए पैसा नहीं मिल रहा था बैंकों और एटीएम से, तब उसने कहा कि 15 लाख की जगह हमने 21 लाख करोड़ रुपया चलन में दे दिया, लेकिन किसानों को एटीएम से और बैंकों से पैसा नहीं मिल रहा, सारा पैसा होल्ड हो गया। नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है। संजीव जी आपसे सवाल ये कि अब कांग्रेस से जिस तरीके से इल्जाम लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, और वही इल्जाम लगाने बनते हैं क्योंकि अब हमें फैक्ट्स पर आना चाहिए, देश को आगे चलाना है तो देश की असल जो मुद्दे हैं उन पर गौर फरमाना जरूरी है। अब मुद्दे दूसरों से फारिग हो गए, यही बताइए कि अब भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी क्या रहेगी? अब तो सियासत के मुद्दे गौण होते जा रहे हैं, अब किस तरीके से इकॉनमी पर काम करना है? डॉलर का रेट इन्होंने बताया कि पिछले 2014 के बाद से बेतहाशा बढ़ गया है, वो अलग बात है कि 1 रुपया भी कीमत हुआ करती थी डॉलर की और 60 रुपए शायद इनके कार्यकाल में बढ़ गए। तो ये चुनावी मुद्दे ये रहेंगे या अब किस तरीके से देश को आगे बढ़ना है, मोदी का अगला स्ट्रेटेजिक स्टेप क्या होना चाहिए और जनता को राहत किन कदमों से मिलेगी, क्या फैक्चुअल तरीके से क्या होना चाहिए? अपने विचारों को मैं आपसे साझा करूं, लेकिन भारत के पास मुद्दे के रूप में अब हमारा एक ही मुद्दा है कि जनता के अंदर विश्वास मोदी जी जगाए, साथ ही किसान और जो छोटे व्यापारी हैं जिनका नुकसान हो रहा है उन लोगों को सही मायनों में राहत पैकेज के द्वारा और उनकी फसल का उपयुक्त मुआवजा देकर सरकार को उसके अंदर लाभ देना चाहिए। साथ ही ये जो कांग्रेस बार बार दुनिया भर के मुद्दे फालतू के उठा रही है, जिसके ऊपर अभी अभी 2019 के चुनाव हार के चुकी है, वो फालतू के मुद्दे उठाना बंद करे, इससे भी देश के अंदर अराजकता आती है। लोग इनके खिलाफ जब एक मैनिफेस्टो दे चुके हैं उसके ऊपर बार बार मुद्दों को उठाता काफी सहजता है, मुझे समझ में नहीं आती इनकी बातें। ये यहाँ पर बैठ के इस तरह की बातें करते हैं क्या इससे जनता सहज रह पाएगी? लेकिन अगर बैंकों में बेतहाशा एनपीए बढ़ेगा, बैंकों में बेतहाशा एनपीए बढ़ेगा तो फिर क्या कांग्रेस सवाल ना करे, जनता की आवाज ना बने, विपक्ष की भूमिका अदा करना छोड़ दे? तो क्या यहाँ पर जो विपक्ष की भूमिका कर रहे हैं, जो जिस माध्यम से वो भूमिका की बात करते हैं, क्या वो भूमिका यहाँ पर इस चैनल पे बैठ के वो इस समय उचित होगी? आचार्य जी मैं बड़े अदब के साथ आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बेरोजगारी के आंकड़े मांगे तो नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में बताया था कि इतने स्कूटर बिक गए, इतने थ्री व्हीलर बिके, इतने ट्रक बिके। आज तक देश के अंदर अगर रोजगार माना गया तो ये माना गया कि आज नौकरी पर लग गया तो 60 साल तक जीवन सुरक्षित हो गया, 60 सालों तक पगार मिलती रहेगी। ट्रक ड्राइवर को, बस ड्राइवर को, ऑटो रिक्शा को रोजगार नहीं माना गया, पकौड़े तलने को रोजगार नहीं माना गया। मैं बड़े अदब के साथ आपको ये
यह भी बताना चाहता हूं कि रेलवे के अंदर 2000 फरवरी 2019 के अंदर रेलवे में भर्ती हुई विकलांगों की उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए, ज्वाइनिंग लेटर दे दिए गए कि आप फला डेट को आइए और ज्वाइन कीजिए, लेकिन आज उनकी तमाम जो है वो ज्वाइनिंग भर्ती लेटर कैंसिल कर दिए और उनको अभी मंडी हाउस पे आके 2000 किलोमीटर से आके भारत में धरना देना पड़ा। जो अपंग थे, जो चल नहीं सकते थे, जो देख नहीं सकते थे, आज इस तरह का अत्याचार देश में हो रहा है, इसी की आवाज को हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे और बाहर भी उठाएंगे। यही मैंडेट देश के लोगों ने हमें दिया, अपनी जिम्मेवारी से कोताही नहीं बरतेंगे। हम उन विकलांगों के साथ खड़े, उन बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, लेकिन ये छल कपट की राजनीति हमने जीवन में कभी नहीं की।